नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ थाना क्षेत्र के इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या 797 पर मतदान किया, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पूरे प्रदेश में 4,32,00,000 से अधिक मतदाता नगर निकाय चुनाव में 2 चरणों में होने वाले चुनाव में भाग ले रहे हैं। नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ व सुंदर बनाने व स्मार्ट व सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए प्रदेश की जनता व नगरीय क्षेत्र के मतदाता के लिए चुनाव प्रारंभ हुआ है। प्रदेश में 10 नगरीय निकाय और 276 नगर पंचायतों में कुल 60,288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होगा और 33,617 बूथों पर अभी चुनाव शुरू हुआ है, जिसमें 2,40,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 37 जनपदों में मतदान हो रहा है और ईश्वर की कृपा से मौसम भी साथ दे रहा है, इसलिए सभी लोग मतदान जरूर करें। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान संपन्न कराने के लिए अच्छी व्यवस्था की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मित्रों, उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव के प्रथम चरण का आज मतदान प्रारंभ हो चुका है। मैंने अभी मतदान किया है। पूरे प्रदेश में 4,32,00,000 से अधिक मतदाता नगर निकाय चुनाव में 2 चरणों में होने वाले चुनाव में भाग लेकर के नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सुंदर बनाने और स्मार्ट सिटी और सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए प्रदेश की जनता जनार्दन और नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा ये चुनाव प्रारंभ हो रहा है। आज प्रदेश के 10 नगर निगम में, 104 नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7,288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें मतदान केंद्र 7,362 हैं और कुल जो बूथ हैं 23,617 बूथों पर ये चुनाव अभी 7 बजे से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 2,40,00,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 37 जनपदों में चुनाव आज प्रारंभ हो रहा है और ईश्वर की कृपा देखें कि कितना सुहावना मौसम है। जून महीने में 4 मई में, आज 4 मई को इतना सुहावना मौसम, ये वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए इसे मैं ईश्वर की विशेष कृपा मानता हूँ। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं और मुझे विश्वास है कि शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव दोनों चरणों में, पहला चरण आज 4 मई को और दूसरा 11 मई को संपन्न होगा। 13 मई को मतगणना संपन्न होगी। ये चुनावों की प्रक्रिया, इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव की जो 762 नगर निकाय प्रदेश के अंदर हैं, जिनमें 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिकाएँ हैं और 545 नगर पंचायतें हैं, इसके साथ ही ये संपन्न होगा और जनता की बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, स्मार्ट और सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा, महापौर, चेयरमैन और पार्षदों के द्वारा नगरीय क्षेत्रों को कार्य करने के लिए एक अवसर मिलेगा।
मेरी प्रदेश के प्रथम चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान हमारा केवल अधिकारी नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। भारत के महान संविधान वेताओं के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को, हर वयस्क मतदाता को यह अधिकार दिया गया है। हम इसका बेहतर उपयोग करें और ईमानदारी के साथ बेहतर उपयोग अगर हम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार की बुनियादी और बेहतर सुविधाएं पाने का अधिकारी भी हर नागरिक बनता है। मतदान अवश्य करें। हो सकता है कुछ जगह बारिश की कुछ बौछारें देखने को मिले और हो सकता है कुछ जगह धूप भी दिखाई दे, क्योंकि 9 कमिश्नरी के 37 जनपदों में आज चुनाव हो रहा है। पूरे प्रदेश भर में सहारनपुर से लेकर के गोरखपुर वाराणसी तक आज चुनाव संपन्न होने जा रहा है और पूरे प्रदेश में होगा। लेकिन इस सब की प्रवाह के बगैर अपने लोकतांत्रिक अधिकार को कर्तव्य मान करके इसका बेहतर उपयोग हर मतदाता करेगा, ये मेरी प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील रहेगी। और इस अवसर पर महान संविधान वेताओं के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को, हर वयस्क मतदाता को यह अधिकार दिया गया है। हम इसका बेहतर उपयोग करें और ईमानदारी के साथ बेहतर उपयोग अगर हम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार की बुनियादी और बेहतर सुविधाएं पाने का अधिकारी भी हर नागरिक बनता है। मतदान अवश्य करें। हो सकता है कुछ जगह बारिश की कुछ बौछारें देखने को मिले और हो सकता है कुछ जगह धूप भी दिखाई दे, क्योंकि 9 कमिश्नरी के 37 जनपदों में आज चुनाव हो रहा है। पूरे प्रदेश भर में सहारनपुर से लेकर के गोरखपुर वाराणसी तक आज चुनाव संपन्न होने जा रहा है और पूरे प्रदेश में होगा। लेकिन इस सब की प्रवाह के बगैर अपने लोकतांत्रिक अधिकार को कर्तव्य मान करके इसका बेहतर उपयोग हर मतदाता करेगा, ये मेरी प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील रहेगी। और इस अवसर पर मैं एक बार फिर से लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदार होने वाले सभी मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जी।